बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्री फर्स्ट ईयर के एक नए लेक्चर के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्री फर्स्ट ईयर हम 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं और 3.2 के हमारे जो क्वेश्चन हो चुके हैं वो 7 हो चुके हैं। आज इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को हम ख़त्म करेंगे और आपके जो क्वेज हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो रहे हैं और उसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो उसको इम्प्रूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 से लेक्चर का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज है 3.2। पहला पार्ट है 3x-2a इज इक्वल टू बी इफ a इक्वल टू 2, 3-2, -1, 1, 5 और b इक्वल टू 2-3, 1, 5, 4, -1। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने x फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन में देखें 3x-2a इज इक्वल टू b। हमने x फाइंड करना है, सबसे पहले x को अलग करते हैं। 3x इज इक्वल टू b प्लस 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 3x इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है? b मैट्रिक्स है 2-3, 1 फर्स्ट रो है, 5, 4, -1 इसकी सेकंड रो है, प्लस 2 और a की वैल्यू पुट करें। a की वैल्यू है फर्स्ट रो है 2, 3-2, -1, 1 और 5। तो ये आएगा आपके पास 2-3, 1, 5, 4, -1। अब देखें 2 जो है वो कांस्टेंट है, इसे कहते हैं स्केलर। वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं मैट्रिक्स से, तो इसे बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी एक आपके पास कांस्टेंट 2 है, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? अगर 2 को एक स्केलर को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो तो वो जो स्केलर है उस मैट्रिक्स के हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। क्या मतलब? पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 5 10। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास आएगा 2 किस में ऐड होगा? 2+4-3+6, 1+-4 और 5-2, 4+2-1+10। हमें क्या फाइंड करना था? x यहाँ पे क्या है? 3x, तो x क्या आ जाएगा? 3 इधर आके डिवाइड 1/3 ऑफ 2+4, 6-3+6, 3-1-4, -3। इधर क्या आएगा? 5-2, 3, 4+2, 6 और 9। तो इसको आप हल करें, 6/3, 3/3, -3/3। 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो 3 पे हर एंट्री जो है मैट्रिक्स की वो डिवाइड होगी। यहाँ पर आएगा 3/3, 6/3, 9/3, 3 2 6, 3 1 3 और ये -1, 1, 2, 3। ये आपका एक्स आंसर आ गया, एक्स मैट्रिक्स। दोबारा देख लें, इसमें आपने क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 3x-2a इक्वल टू b, a मैट्रिक्स भी गिवन है, b मैट्रिक्स भी गिवन है, तो अननोन कौन सा हुआ? x। अननोन को फाइंड करना है, तो हमने x फाइंड करना है। जो स्टेटमेंट दी उसको लिखते हैं 3x-2a इक्वल टू b, -2a उधर जाए क्योंकि हमने x फाइंड करना है, तो x के अलावा कोई मैट्रिक्स है तो उस तरफ चला जाएगा, माइनस में है तो दूसरे जाके प्लस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू b प्लस 2a, 3x इक्वल टू b की जगह b मैट्रिक्स है 2-3, 1, 5, 4, -1, +2 और a की जगह 2, 3, -2, -1, 1 और 5। अब 2-3, 1, 5, 4, -1, तो 2 मैट्रिक्स, 2 जो है वो पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, यानी हर एंट्री से 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 5 10। अब ये ऐड हो रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी। 2 किस में ऐड होगा? 2 ऐड होगा 4 में, -3 ऐड होगा 6 में, 1 ऐड होगा -4 में, 5-2, 4+2 और -1+10। अब 2+4 6, -3+6 3,
1 माइनस 4 माइनस 3 5 माइनस 2 3 4 प्लस 2 6 10 माइनस 1 9 तो ये आपके पास किसके इक्वल आ रहा है 3x। हमें तो x निकालना है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब जाके डिवाइड हो जाएगा तो बाकी आपके पास बचेगा 6 3 माइनस 3 3 6 9 सबको किस पे डिवाइड कर रहे हैं 3 पे 6 डिवाइड बाय 3 3 डिवाइड बाय 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 3 डिवाइड बाय 3 6 डिवाइड बाय 3 और 9 डिवाइड बाय 3 तो ये आंसर आ जाएगा 2 1 माइनस 1 1 2 3। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट आपके पास है क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट 2x माइनस 3a इज इक्वल टू b इफ a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 5 और b मैट्रिक्स आपके पास है 3 माइनस 1 0 और 4 2 1। इसमें अगर आप नोट करें तो सेम जो क्वेश्चन है जिस तरह भी की है उसी तरह आपने x फाइंड करना है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे ये क्वेश्चन स्टेटमेंट लें 2x माइनस 3a इक्वल टू b 2x इज इक्वल टू b प्लस 3a। इसमें वैल्यूज पुट करें b की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 0 4 2 1 प्लस 3 a की वैल्यू आपके पास है 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 5 तो ये आपके पास आएगा 3 माइनस 1 0 4 2 1 3 मल्टीप्लाई होगा किससे 3 1 था 3 3 1 था 3 3 2 था 6 3 2 था 6 3 4 था 12 3 5 था 15 ये आप ऐड करें 3 किस में ऐड होगा करस्पॉन्डिंग एंट्री 3 ऐड होगा 3 में 3 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 ऐड होगा माइनस 3 में और 0 ऐड होगा आपके पास 6 में 0 प्लस 6। अब 4 किस में ऐड होगा 4 माइनस 6 में तो 4 माइनस 6 2 ऐड होगा 12 में 2 प्लस 12 और 1 ऐड होगा 15 में 1 प्लस 15 तो ये आपके पास 2x की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस 3 कितना होता है 6 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 और 0 प्लस 6 6 और माइनस 2 और इधर 12 प्लस 2 14 और ये 16। अब x क्या आ जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड 6 माइनस 4 6 माइनस 2 14 और 16 सब को 2 डिवाइड करें 6 डिवाइड बाय 2 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 6 डिवाइड बाय 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 14 डिवाइड बाय 2 16 डिवाइड बाय 2 2 का डबल 6 कितने टाइम 3 टाइम 2 2 आर 4 2 3 आर 6 2 1 आर 2 2 7 आर 14 2 8 आर 16 ये आपका आंसर आ गया। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 9 पार्ट 1। ये आपके पास है 4 3 2 2 उसके बाद a माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4 3 6। इसमें आपने a फाइंड करना है। ये देखें सारे मैट्रिक्स गिवन है सिर्फ अननोन कौन सा a तो a फाइंड करना है। ये आपके पास एज इट इज देखें 4 3 2 2 a इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4 3 6। अब नोट करें ये जो मैट्रिक्स है माइनस में है जब ये मैट्रिक्स राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। राइट साइड पे क्यों ला रहे हैं क्योंकि मुझे मैट्रिक्स ए फाइंड करना है तो ए के अलावा अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसको अगर माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके प्लस यानी ए को आपने अलग करना है। तो ये मैट्रिक्स जो है माइनस में है जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस। पहले लिखा 4 3 2 2 a ये उधर ले जाए माइनस 1 माइनस 4 3 6 और ये जब उधर जाएगा तो प्लस 4 3 2 2 इसका नाम a इज इक्वल टू ऐड कर दें माइनस 1 किस में ऐड होगा प्लस 2 माइनस 4 प्लस 3
थ्री माइनस वन और सिक्स माइनस टू, तो ये बन गया फोर, थ्री टू टू ए इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू वन, माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन टू और सिक्स माइनस टू फोर। अब देखें इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हैं 3.1 में भी, 2 में भी के, अगर आपको एक अननोन मैट्रिक्स निकालना हो तो इसका नाम रख लेते हैं कोई, और इसका नाम, इसका नाम मैं रहता हूँ बी, इसका नाम ऑलरेडी है ए, और इसका नाम क्या रखना है सी। फाइंड ए करते हैं, तो जब बी मैट्रिक्स जाएगा दूसरे लेफ्ट तो क्या बन जाएगा, बी इनवर्स इंटू सी, इस पे कई नंबर वन। अच्छा अगर बी लेफ्ट साइड पे है तो इधर इनवर्स बी लेफ्ट साइड पे बनेगा, अगर बी राइट पे होता ए निकालना होता तो बी जब दूसरे जाता तो बी इनवर्स राइट साइड पे बनता। इसको मैं डिटेल में आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हमने बी इनवर्स निकाला, अब उसको सी से मल्टीप्लाई करना है, तो बी है क्या, बी आपके पास फोर थ्री टू टू, फिर बी का डिटर्मिनेंट फोर, डिटर्मिनेंट क्यों निकालेंगे, बी इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी, फोर मल्टीप्लाई, और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, फोर होगा मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई बाई टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई टू, मेन डायगनल आपस में, दरमियान में माइनस, सेकेंडरी डायगनल आपस में, फोर टू का एट, थ्री टू का सिक्स, थ्री आपके पास आ गए एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, बी मेन दोनों की जो मेन डायगनल थी उनकी जगह चेंज और सेकेंडरी डायगनल के साइन चेंज, थ्री की जगह माइनस थ्री और टू की जगह माइनस टू, फॉर्मूला लगाएं बी इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट ऑफ बी मेरे बच्चों है टू माइनस थ्री माइनस टू फोर डिवाइड बाई बी का डिटरमिनेंट आपके पास कितना है टू, इसको टू को बाहर रखें तो वन बाई टू, टू माइनस थ्री माइनस टू और फोर। अब आपका देखें बी इनवर्स फाइंड हो गया, उसको सी से मल्टीप्लाई करें तो आपका मैट्रिक्स ए आ जाएगा बाई इक्वेशन वन, वन में कीमत पुट कर देते हैं तो वन क्या है आपके पास ए इज इक्वल टू बी इनवर्स, तो बी इनवर्स की जगह ये बी इनवर्स की वैल्यू है वन बाई टू टू माइनस थ्री माइनस टू फोर, ये बी इनवर्स की वैल्यू है, बी इनवर्स के साथ क्या है सी, सी है क्या ये वन माइनस वन टू फोर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लीकेशन क्या तरीका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड एंट्री को सेकंड से, और ऐड कर लेते हैं टू वन दर टू माइनस थ्री टू दर माइनस सिक्स, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होती है सेकंड कॉलम से, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से और सेकंड एंट्री सेकंड से, तो टू वन टू मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री फोर दर माइनस ट्वेल्व, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस टू वन दर माइनस टू फोर टू दर एट, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस टू फोर फोर दर सिक्सटीन, ये वन बाई टू, टू माइनस सिक्स माइनस फोर, माइनस टू माइनस ट्वेल्व माइनस फोर्टीन, और एट माइनस टू प्लस एट सिक्स, और सिक्सटीन प्लस टू एटीन। अब सबको किस पर डिवाइड करना होगा टू पे, तो ये सबको माइनस फोर डिवाइड बाई टू माइनस फोर्टीन डिवाइड बाई टू सिक्स डिवाइड बाई टू एटीन डिवाइड बाई टू, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई टू टू दर फोर, टू सेवन दर फोर्टीन, टू थ्री दर सिक्स, और टू नाइन दर एटीन, ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर देख लें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी है, कहते हैं फाइंड मैट्रिक्स ए, तो अब एक काम करते हैं कि ए वाले इधर, और ये जो एक्स्ट्रा है क्योंकि हमने ए को अलग करना है, बाकी दूसरे ले जाएं तो ये माइनस का जब दूसरे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, साइन चेंज, अब प्लस करते हैं माइनस वन प्लस टू माइनस फोर प्लस थ्री, थ्री माइनस वन और सिक्स माइनस टू, टू माइनस वन वन, माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन टू, सिक्स माइनस टू फोर। नाम दे देते हैं हमें ए फाइंड करना है, इसको कोई भी नाम रख ले, मैंने बी रखा, आपकी मर्जी कोई भी रख सकते हैं बी ए, और इसका नाम क्या रखें सी। फाइंड क्या करना है ए, तो बी को दूसरे जगह क्या बन जाएगा बी इनवर्स, इधर लेफ्ट पे इनवर्स बी लेफ्ट पे, ए इक्वल टू बी इनवर्स इनटू सी। आप क्या करेंगे बी का, बी आपके पास है क्या फोर थ्री टू टू, इसका नाम सी रखा, सी क्या है वन माइनस वन टू फोर, तो पहले बी इनवर्स के लिए बी फोर थ्री टू टू, बी का डिटर्मिनेंट इसमें, इसको डिटर्मिनेंट लिखें फोर टू दर एट, थ्री टू दर सिक्स, एट माइनस सिक्स टू, एडजॉइंट ऑफ बी में मेन डायगोनल एंट्रीज की
आप जगह चेंज करेंगे और स्कैंडिड आइडेंटिटी के साइन चेंज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा b इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ b 2 -3 -2 -4 डिवाइड बाय 2। आप 2 को अलग लिखते हैं ऊपर 1 होगा 1/2 2 -3 -2 -4 इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं a इज इक्वल टू b इनवर्स की जगह ये b इनवर्स की ये कीमत पुट कर दें इधर ये एज इट लग गए और साथ क्या है c की जगह c की वैल्यू 1 -1 2 4 1/2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से 2 to the 2 1 the 2 और सेकंड एंट्री सेकंड से -3 to the -6 फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 -1 -2 -3 -4 -5 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट पार्ट करते हैं उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी खत्म। दो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 आज आपके खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2 ए 3 1 4 2 -1 2 3 1 2 0 -1 5 सेम क्वेश्चन है कर देते हैं आपको। इसमें भी आपने ए फाइंड करना है तो ए केला जो है ये माइनस में जो है उधर जाकर क्या आ जाएगा प्लस 2 0 -1 5 प्लस माइनस वाली वैल्यू तो जाए प्लस -1 2 3 और 1। अब आप इनको ऐड करें a 3 1 4 2 इक्वल टू 2 -1 0 प्लस 2 -1 प्लस 3 और 5 प्लस 1 a 3 1 4 2 2 -1 1 0 प्लस 2 2 -1 प्लस 3 2 और 6 तो ये a आ जाएगा। अब मैंने क्या कहा था कि a निकालना है इसका नाम b रख ले और इसका नाम c तो क्या बन जाएगा a मैट्रिक्स b इसका नाम रख इक्वल टू c a निकालना है तो a क्या आ जाएगा पिछले क्वेश्चन में था b इनवर्स इनटू c यहां b राइट साइड पे है और फाइंड a करना है b उधर जाएगा तो b इनवर्स कहां लिखेंगे राइट साइड पे क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या हमें पहले b का इनवर्स निकालना है c हमारा ये b है 3 1 4 2 ये c है 1 2 2 6 तो b इनवर्स के लिए पहले b है क्या b आपके पास 3 1 4 2 b का डिटरमिनेंट निकालते हैं 3 1 4 2 अगर ये सिंगुलर हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट सिंगुलर हो जाए तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होता तो वही क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। आप क्या करेंगे b का मॉड 3 multiplied by 2 -4 multiplied by 1 3 2 are 6 -4 equal to 2 adjoint of b क्या आएगा इन दोनों के main identities की जगह चेंज 2 3 और secondary diagonal के sign -1 -4 ये b inverse equal to adjoint of b divided by determinant of b 2 -1 -4 3 डिवाइड बाई बी का डिटरमिनेंट क्या आएगा प्लस 2 ये आएगा 1/2 2 -1 -4 और 3। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दें बाय इक्वेशन 1 में देखें a इज इक्वल टू c c की वैल्यू पहले पुट करेंगे c है क्या 1 2 2 6 इधर पुट कर दें 1 2 2 6 मल्टीप्लाई बाय क्या b इनवर्स और b इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1/2 2 -1 -4 और 3 ये 1/2 बाहर है मैट्रिक्स इकट्ठे लिख लें 1 2 2 6 और दूसरा मैट्रिक्स है 2 -1 -4 3 तो मल्टीप्लाई करने का आपको तरीका आता है कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से 1 पहले एंट्री 1 है इधर से 2 1 multiplied by 2 2 और 2 multiplied by 4 -8 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट एंट्री 1 है और इधर -1 1 -1 -1 2 3 6 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 आर
4, 6, 4 are 24, 2, 1 are 2, 6, 3 are 18, 1 by 2, 2 minus 8, minus 6, 5, ये minus 20, और 18 minus 2, 16, सब को किस पे डिवाइड कर दें, 2 पे, ये minus 6, divide by 2, 5, divide by 2, minus 20, divide by 2, 16, divide by 2, तो ये 2, 3 are 6, तो ये 5 by 2 आएगा, और ये 2 10 are 20, और ये 8, ये आपके पास A matrix, तो ये इससे पहले वाला पार्ट दोनों सेम थे, तो अब आपकी 3.1 और 3.2 आज कंप्लीट हो गई है, और इनके आप नोट्स बना रहे होंगे, 3.1 और 3.2 को नीट नोट बुक पे लिख लें, जब कॉलेज आप आएंगे तो आपने चेक करवाने हैं इंशाल्लाह। कल एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे, अल्लाह हाफिज़।